तो दोस्तों आज हम मेवात में एक गांव ऐसा दिखाएंगे आपको जिसको देखकर आप ये कहोगे कि वाकई में मेवात नहीं चंडीगढ़ बना हुआ है। और ये गांव आप देख सकते हैं कि मोहम्मद नगर यानी मोहम्मद नगर उर्फ हमन नगर, इसको हमन नगर कहते हैं अपनी मेवात में। और देखिए इसमें एक खासियत मैंने देखी, आज मैं पहली बार इस गाँव में अंदर घुसा तो मैंने फिरनी में जब गाड़ी ली थी तो मेरी गाड़ी वहाँ पर आपको देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है। तो मैं जैसे ही घुसा तो मैंने फिरनी में एक चक्कर लगाया, फिर गांव में बीच में के भी चक्कर लगाया कि मैं देखूं कि इस गांव में यार इतना चौड़ा रास्ता, और वो भी ये फिरनी का रास्ता है, जब आप पिनंगवा साइड से आएंगे तो ये आपको मिलेगा। तो इधर आप निकल जाइए तो फिर उधर ये रास्ता निकलेगा दूसरी साइड, तो फिरनी का रास्ता डबल बना हुआ है। और वहीं पर आपको शानदार एक जोहड़ यानी हमारे मेवाती में पोखर बोलते हैं, और वो चार बाउंड्री हुई है उसकी, और उसके चारों तरफ मतलब डबल लाइन का रोड है, यानी 30 फुट का जो रास्ता है और वो, और जालीदार इस पर जाली लगी हुई है, बिल्कुल पार्किंग बनी हुई है चारों तरफ। देखिए कितना वह है शानदार, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वाकई में काबिले तारीफ ये वर्क किया है जो सरपंच ने काम किया है। और पूरे गांव वालों से पूछेंगे कि इसका राज क्या है, इतना विकास किसने कराया अपने गांव में, अपने गांव में। और ये मोहम्मद नगर है जो हबीब यानी हमन नगर है, ये हबीब का गांव है। खास मेरे याद आ गया कि ये हबीब का गांव है जिसका मांडीखेड़ा में फार्म है, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं कि भाई मुझे कांग्रेस का टिकट दिया जाए और मैं चुनाव फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ूं, जब उसका गांव इतना विकसित है तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर उसको टिकट मिल गया तो वाकई में वो फिरोजपुर झिरका के गाँवों को चमका देगा। देखिए ये यहाँ पर स्कूल है, और स्कूल में भी मैंने बच्चों से जानकारी ली कि पढ़ाई किस प्रकार हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है। तो खान पीन के लिए भी मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि पूरा हमें समय पर मिलता है, अच्छा मिलता है। देखिए ये बच्चे हैं स्कूल से अभी आए, और अभी छुट्टी हो रही है या लंच हो रहा है, तो ये बच्चे हैं। बच्चे क्या क्या नाम है? राहुल। राहुल, राहुल पढ़ाई कैसी हो रही है स्कूल में? सही। अच्छी हो रही है। और खाने पीने के लिए जो मिलता है स्कूल में? अच्छा मिलता है। दूध मिला। दूध मिलता है। और पिन्नी। पिन्नी। और ये अच्छा ये बताओ कि ये रास्ते और ये साफ सफाई और ये जो विकास हुआ है इसका राज क्या है, किस कौन ने करवाया, किसने बनवाया? नहीं पता। तो चलिए ठीक है, बच्चा है इसको नहीं पता, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के वासी हैं, उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम जानेंगे। और पूरी वीडियोस में आपको पूरे गांव के रास्ते दिखाऊंगा, मुझे तो कहीं पर भी कीचड़ नज़र नहीं आई। क्या नाम भाई ये है, आ रहे हैं, क्या नाम है? जी अहमद। अहमद जी। गांव हमन नगर। हमन नगर है जी। अच्छा ये बताइए आपके गांव में कहीं कीचड़ है रास्तों में? नहीं, कहीं नहीं है। कहीं पे भी? कहीं पे भी। गाँव में अंदर कहीं पे भी? नहीं, नालियों में ही मिलेगी, कहीं नहीं है कीचड़ अंदर। क्या राज है भाई इतना? कुछ नहीं है। किसने बनवाया? हबीब ने जी। हबीब ने जी? पूरा गांव हबीब ने सीसी करा रखा है जी। नहीं नहीं, वो पार्टी में कांग्रेस में, अब है कांग्रेस में। तो हाँ, अब है कांग्रेस में, पहले बीजेपी में था। अच्छा पहले बीजेपी में था जी। मतलब इतना जो विकास है ये हबीब का है जी। हबीब तो ना ही सरपंच है जी और ना ही कोई मतलब नेता है, फिर भी ये इतना विकास। हाँ, इतना विकास कराया गांव में जी। अब उनको पता चल गया जब इतना विकास कराया है उसने, तो गांव अब सब उसके साथ में ही। अब उसके साथ में जी, पूरा गांव जी, हबीब के जी। यार देखो वाकई में काबिले तारीफ है भाई ये। क्या नाम है, क्या नाम है भाई? सतीश। सतीश कहाँ के हो? हमन नगर। हमन नगर के। ये रास्ते किसने बनवाए भाई इतना साफ है? साफ। सच बोल रहे हो आप? अरे सच्ची बता रहे भाई, हबीब ने बनवाया। और हबीब तो सरपंच भी नहीं है। हबीब भाई वो करवा रहा अपने गांव के लिए, अपने पेश हो। अच्छा वाकई में यार सच में बहुत ही, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा दिल ना बहुत खुश है इस गांव को देखकर कि मेवात में एक गांव ऐसा है जिससे देखकर मैं पहली बार खुश हुआ हूँ मेरी लाइफ जितनी भी है। और देखिए मैं आपको बाकायदा मोटरसाइकिल लेके आया हूँ और दिखाऊंगा, मैं आपको पूरे गांव की गलियां दिखाऊंगा। वीडियो चाहे कितना ही भी लंबा हो लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा कि मेवात में वाकई में
एक चंडीगढ़ भी कुछ नहीं है, इतना साफ सुथरा, इतना चौड़ा रास्ते, इतने पार्किंग वगैरह, पूरी सुविधा है यहाँ पर। देखिए घर मकान और कोई भी गंदगी नहीं है रास्तों में। चलिए भाई, हमारे सहपाठी तौफिक भाई और ये मोटरसाइकिल पर पूरा गांव आपको दिखाएंगे। मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है और मोटरसाइकिल पर हम चल रहे हैं। देखिए पूरे आपको बाकायदे में पूरा गांव दिखा रहा हूँ आपको। सच में अगर गांव का विकास कराना है तो हबीब जैसे नेता को लाना है, अपने क्षेत्र का विकास कराना है तो हबीब जैसे नेता को लाना है तो विकास होगा। देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये चौड़ा रास्ता, ये देखिए कितना पार्किंग जो, और क्या मतलब शानदार तालाब, हमारे मेवाती में पोखर बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, शानदार तालाब, चारों तरफ बाउंड्री है ना, जाली लगी हुई है, और देखिए कितना चौड़ा रास्ता है भाई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, जो आदमी सरपंच नहीं बना गांव का उतना विकास करवा सकता, अगर मान लो उसको MLA बना दे कितना विकास करा गया, आप ये बात सोचो। वाह वाकई में, देखो मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं कसम नहीं खाता, खुदा की कसम, मैं अस्पुत इस गाँव में घुसा क्यों, क्या कि भाई हबीब का नाम आ रहा है कि हवन नगर का है। और चलिए मैं आपको ये हवन नगर के लोगों से पूछता हूँ कि हबीब क्या काम कराता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है। तो मैं घुसा तो मैंने ये जो इसको फिरनी है इस पे चला तो देखा मैंने कि यार इतना चौड़ा रास्ता आज तक मैंने मेवात में किसी गांव में नहीं देखा, इसका राज क्या है, इतनी सफाई और इतनी सफाई। तो फिर मैं गाँव में घुसा, रास्तों में देखा मैंने कि यार ये घर मतलब घर तक घर के दरवाजा तक सीसी बना हुआ है। आप देखिए देखिए ये गली, देखिए ये सीसी बनी हुई है ना। आप चलिए भाई जल्दी चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं लोग देखते नहीं है फिर वीडियो। देखिए ये सीसी बना हुआ है, ये देखिए ये भी इधर सीसी बना हुआ है, और ये पूरा देखिए ये पूरा सीसी बना हुआ है, ये तो फिर नहीं हुआ है ना। और ये आप देखिए मैं गाँव में जा रहा हूँ, अब मैं गाँव के लिए घुस रहा हूँ गाँव में अंदर। ये देखिए एंट्री, मैं गाँव में ये चारों आपको फिरने दिखा दिया मैंने, और ये देखिए ये पूरा गांव में, अब मैं पूरा गांव में घुस रहा हूँ। देखिए इधर थोड़ा रोकिए, देखिए इधर देखिए, ये इधर देखिए पूरा सीसी है, तो इधर देखिए ये पूरा बाबा आ रहे हैं, बाबा से पूछेंगे। बाबा 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 क्या नाम है? आस मोहम्मद। और गाँव कौन सा बाबा? मोहम्मद नगर यानी हवन नगर, कागजात में तो ही मोहम्मद नगर। अच्छा, और वो से कहवाए से हमन नगर। तो बाबा एक मैं पत्रकार हूँ DTV न्यूज चैनल से। अच्छा ये मैं घुसा हूँ गांव में आपके में। अच्छा। मैंने देखा है कि इतनी साफ सफाई और इतने ये सीसी के रोड, क्या राज है ये? तो ऐसे ये हमारे गांव सटेट, कहीं पर कीचड़ नहीं है? हाँ कहीं हबीब ने बनवाए है ना? हाँ लियो काम पर। अच्छा हबीब ने काम दिया, सरपंच जाकिर था? हाँ। उसका चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का ना, परिवार में चाचा ही है। अच्छा चाचा ही है। तो कहीं पे कोई गांव में कीचड़ है ऐसी आपकी? ना है, नहीं है, पूरा गांव पहला गांव ऐसा गांव है, सब कीचड़। हाँ या गांव का रोड कहीं भी ना, कहीं भी काम में ना। अच्छा हर घर में, घर के लिए पगड़ी जरूरत। तो बड़ी किस्मत वाले बाबा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाँव वालों को, देखिए ये रास्ता देखिए, बाकायदा मैं आपको बाइक पे लेकर चल के दिखा रहा हूँ। ये रास्ता देखिए, उधर तो चला गया रोड, ऑन रोड जा रहा। देखिए यहाँ पर वो जो पाइपलाइन थी वो उसकी रेनीवाल की, वो भी दबी थी, लेकिन इन्होंने वो भी सही करा दी। आप देख सकते हैं कि इनके गांव में कीच नहीं है और नाली साफ सुथरी है। आप देख सकते हैं कि देखिए कोई भी नाली, आप गांव में आ सकते हैं बाकायदा, आप विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगर आपको यकीन नहीं होता है वीडियो पे तो आप इस गांव में आ सकते हैं और देख सकते हैं और घूम सकते हैं, आप गली गली देख सकते हैं कि भाई देखिए अब इस घर के लिए भी सीसी जा रहा है। अब अंदाज लगाइए, देखिए ये पूरा सीसी और इधर आप पूरा सीसी आप देख सकते हैं, पूरा रोड बना हुआ है। और यहाँ पर ये भाई दुकानदार यहाँ पर बैठा है, यार इनसे भी पूछेंगे भाई इनका राज क्या है। भाई क्या नाम है? जैकम जी। गांव कौन सा है? मोहम्मद नगर यानी हवन नगर जी। ये रोड है जो भाई आपका पहला गांव देखा मैंने मेरी बात में ऐसा। हाँ बढ़िया रोड है ये रास्ता। गांव में आपके कीचड़ नहीं है कहीं पे? नहीं मिलेगा। ये इसका कौन ने काम कराया है? मोहम्मद हबीब ने। हबीब ने
सेंटर। देखिए आप इस गांव में आइए और विकास देखिए कि इस प्रकार विकास होता है। और एक खास बात ये कि नालियां भी साफ मिलेंगी, रास्ते भी साफ मिलेंगे और सब चीज़ साफ मिलेगी आपको। और खुला, चाहे आप गाड़ी नहीं बड़ी ट्रक 10 टेरा 22 टेरा गाड़ी गलियों में घुसा दो, आपको सारी मतलब चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, सुविधा पूरी मिलेगी आपको। और मैं अपनी गाड़ी के पास आ चुका हूँ, एक भाई से मैंने बाइक ली, बाइक मांगी भी कि भाई प्लीज़ मुझे बाइक दे दे, दिखा दे। और मैं इस गांव की गलियाँ और इसका रहन सहन पूरा दिखाऊंगा। और देखिए पढ़ाई भी स्कूल में अच्छी हो रही है और ये चौराहा है, चौक है, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस प्रकार ये गलियाँ रास्ते बने हुए हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। और वाकई में इस प्रकार का अगर नेता मेवात में होना भी चाहिए, अगर मेवात में इस प्रकार का नेता मिल गया तो वाकई में विकास होगा और मेवात वाकई में आगे बढ़ेगा। और ये भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे अजय कोहली जी भी हैं, तो इन भाई से पूछेंगे कि इसका राज क्या है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आकिल है। आकिल जी, ये जो साफ सफाई है, जो ये रास्ते हैं, इसका राज क्या है? अभी हमारा चाचा है, उसने भी फंड दिलाया है, ऊपर से पास कराया है फंड। अच्छा। हाँ, उसका भी इसमें बहुत लंबा हाथ है, उसने भी इसमें विकास करवाया, बहुत विकास कराया इसमें। रोड बहुत चौड़े हमारे गांव में, मेवात में नहीं मिलेंगे कहीं पर भी ऐसे रोड भाई, वाकई में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कहीं पर, सच में नहीं मिलेंगे। और ये भाई और भी हैं, हमारे चाचा हैं जो हबीब, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, बहुत बड़ा हाथ है, और देखिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया, वीडियो काफी लंबा है। ये भाई भी आ रहे हैं दौड़े दौड़े। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद जकरिया। जकरिया, जकरिया जी ये बताओ यार, मैं आपके गांव में घुसा, पहली बार घुसा हूँ, नहीं रोड से हर रोज मैं गुजरता हूँ, है ना। अच्छा ये बताइए, मैं आपके गांव में वाकई में फिदा हो गया हूँ कि अगर इस प्रकार गांव का होना मेवात में, तो वाकई में विकसित और शिक्षित मतलब किसी फील्ड में आपका गांव पीछे नहीं है यार, क्या कहूँ। ये हबीब भाई की देन है, सजे थी हबीब अमर नगर। अच्छा, उसने काम कराए सारे बीजेपी सरकार, मतलब हबीब ने पूरा गांव चमका रखा है। सरपंच को कोई रोल ना है जी, हम कैसा को भी जोड़े देखो, साइकिल फाउंडेशन ने काम करा है। हाँ। और रास्ते सारे हबीब भाई ने बनवाए। अच्छा, सारे टोटली गांव में कोई रास्ता कच्चा ना है, सारे पक्के। अच्छा ये बताइए, हबीब ना ही कोई सरपंच है, ना ही कोई नेता है, फिर भी गांव में इतना बस जी समाज सेवी है। अच्छा, समाज सेवी। अच्छा, वो अब कांग्रेस का टिकट मांग रहा है जी, तो उसके बारे में क्या विचार है? मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए, बताए मिलने जिन काम ना करो ना हबीब भाई करवा दे। सही बात है, और मैं भी चाहूंगा कि अगर वाकई में पार्टी अगर सोचती है तो ऐसे इंसान के बारे में जरूर सोचे जो बिना कुछ किए मतलब बिना कुछ पद पे ना रहते हुए भी अपने गांव को इतना विकसित और इतना विकास करा सकता है। तो वो अगर विधायक बन गए तो MLA अगर वो बन गए तो क्षेत्र में वाकई में काबिले तारीफ काम कराएंगे, काबिले तारीफ कार्य करेंगे। और हकीकत में ही इनका गांव देखने लायक है, मेवात में पहला ऐसा गांव है जो इस प्रकार विकास की गति पर सबसे ऊपर, मैं ये कहूँगा कि नंबर वन मेवात में नंबर वन गांव है। अगर कोई इनाम अगर हक बनता है तो सबसे पहले मोहम्मद नगर यानी उर्फ हमन नगर का बनता है, और सारा क्रेडिट वो जाता है हबीब हमन नगर के लिए, उनके परिवार के लिए। तो वो सारा क्रेडिट और गांव में जो विकास चल रहा है, अब भी चल रहा है, देखिए अभी भी, ये देखिए अभी भी काम कार्य कर रहे हैं यहाँ पर ये दो लोग, अभी तो जोड़ पर यानी लिख रहे हैं कि पानी की हर बूंद मायने रखती है, तो आगे भी कार्य चल रहा है। और पूरा गांव में कोई रास्ता आप ऐसा नहीं देखोगे जो कच्चा रास्ता आपको मिले, और कहीं पर भी पानी भरा नहीं मिलेगा, और कहीं पर भी सुकड़ी यानी गली नहीं देखोगे, और छोटे टाइप की कोई भी गली नहीं देखोगे कि बहुत ही चौड़ा रास्ता है। देखिए ये तो मेन गांव का रास्ता है जो अंदर को जा रहा है, और ये चारों तरफ जोड़ के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या शानदार लाजवाब सीन है, अगर कोई सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर कोई भी खड़ा होता है तो अपना यहाँ पर रेस लगा सकते हैं, चारों तरफ जोड़ के यानी
तालाब पर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है और जाली भी लगा रखी है कि कोई गिरने का भी, कोई जानवर को, कोई बच्चे को, कोई गिरने का कोई डर नहीं है। तो तालाब का भी आनंद ले सकते हैं और इधर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, अपने जॉगिंग वगैरह, अपने कसरत वगैरह अपने सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं। और पूरी वाकई में काबिले तारीफ इन्होंने काम कर रखा है गाँव में, साफ सफाई का, रोड का, तो जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी थोड़ी है इस गांव की। वाकई में मेवात का नंबर वन गांव है मोहम्मद नगर, साफ सफाई में, रास्तों में, हर तरह ही साफ सफाई में, सब तरह ही वाकई में काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का नेता, किस प्रकार का सरपंच पंच चाहिए हमारे गाँव में? तो ये वाकई में गाँव, वाकई में इन्होंने चमका रखा है।